नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में फिर से एक नए जिले के साथ हम उपस्थित हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जानते हैं कि जिले में निकली है सामाजिक न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में भर्ती, उसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आ चुके हैं कार्यालय संयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मध्य प्रदेश शासन जिला रीवा। विषय रहेगा जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र रीवा में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है। उपरोक्त विज्ञापन पत्र के संलग्न प्रेषित किए जाकर अनुरोध है कि शासन नियमानुसार उक्त विज्ञापन राज्य स्तरीय स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दे। संलग्न उपरोक्त अनुसार है यहाँ पर इनको भेज दिया गया है। तो अब भर्ती की बात कर ले, जैसे कि आप सभी को पता है कि सभी जिले में टोटल 8 पदों पर भर्ती होनी है कार्यालय संयुक्त संचालक सामाजिक एवं न्याय दिव्यांगजन विभाग में, परंतु रीवा जिला में केवल 2 ही पदों पर भर्ती होने वाली है। दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र रीवा के संचालन हेतु मानदेय के आधार पर विभिन्न पदों पर आयुक्त के लिए आवेदन पत्र निम्नानुसार पदों हेतु निर्धारित प्रारूप में दिनांक 15/9/2023 शाम 5:30 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। पद की योग्यता एवं मानदेय नीचे दर्शाए गए हैं। यहाँ पर आपको पद देखने को मिल जाएगा, हियरिंग असिस्टेंट जूनियर का है जिसमें आपको ₹16,000 मानदेय दिया जाएगा। ट्रांस डिसिप्लिन स्पेशल का है जिसमें आपको ₹15,000 मानदेय दिए जाएगा। उपरोक्त सभी 2 पद एकांकी होने के कारण आरक्षण आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। निर्धारित योग्यता की शर्तें पूर्ण नहीं करने की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा, जिसके संबंध में पृथक कोई सूचना नहीं दी जाए। आपको आवेदन किस पते पर भेजना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 नंबर पर आपको आवेदन दिया गया। आवेदन पत्र कार्यालय संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला रीवा संभाग मध्य प्रदेश नवीन कलेक्टर प्रथम तल कमरा नंबर 20 में पते पर सीधे जमा किए जा सकते हैं अथवा डाक द्वारा भी आप भेजे जा सकते हैं, जो कि 15/9/2023 तक आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है, आवेदन आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा, ये आवेदन का प्रारूप पत्र है तो इसे आप भरकर जमा कर सकते हैं। आपको आवेदन में जो पता लिखना है वो आपको बता ही दिया गया है और जो 2 पद है केवल उसी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको शैक्षणिक योग्यता भी देखने को मिल रही है। अगर आप शैक्षणिक योग्यता अर्हता रखते हैं तो इसमें आप जरूर से आवेदन कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में जैसे कोई दूसरे जिले का हमारे पास नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन जो सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।